अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्या हाल है, खैर से? ठीक ठाक। चैप्टर नंबर 2 न्यू बुक के हवाले से आज एक लेक्चर जो है, जो हम फर्स्ट लेक्चर कहते हैं इस बुक का, वो हम अपडेट कर रहे हैं। तो समराइज़ किया है इस लेक्चर को। टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, एटम इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च मोर देन 100 पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड इन साइड द एटम। सो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो हम यहाँ पर ही डिस्कस कर रहे हैं कि समरी के तौर पर कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी। डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने किया है? थॉमसन ने किया, और प्रोटॉन डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। ईयर ऑफ डिस्कवरी जो है वो 1897 है, 1896 से 1832 है। लोकेशन का है, कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया था? अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बेसिकली रदरफोर्ड का कंक्लूजन, रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस होती है। ठीक है, इसी तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, राइट? अच्छा जी, डिस्कवरी किसके ज़रिए हुई थी? डिस्कवरी थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन ने, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, और कैथोड रेज से ये मालूम हो सका था कि एक्चुअल में कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि बाद में स्टोनी नामिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम, इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया था। जबकि गोल्डस्टीन ने जो है वो मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, जिसमें परफोरेटेड कैथोड डिस्क यूज़ की गई थी, और उससे एनोड पार्टिकल्स और एनोड रेज फाइंड आउट की थी, और एनोड रेज की मदद से प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। जबकि जेम्स चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करवाई थी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करके ये बात फाइंड आउट की थी कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद है जो कि न्यूट्रॉन कहलाता है। सिंबल नॉर्मली हम इसे ई से शो करते हैं, इसको पी से, और इसे जीरो एन जीरो से शो करते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू जो है वो 1.602×10⁻¹⁹ कूलम है। बिल्कुल सेम चार्ज की वैल्यू जो है वो प्रोटॉन की है, जबकि न्यूट्रॉन की कोई चार्ज की वैल्यू नहीं होती। मास की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.11×10⁻³¹ किलोग्राम है, प्रोटॉन का मास 1.673×10⁻²⁴ किलोग्राम, और न्यूट्रॉन 1.674×10⁻²⁴ किलोग्राम जो है वो आपको न्यूट्रॉन का मास मिलेगा। अच्छा, लेस देन और हैवियर देन नेचर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 1836 टाइम्स लाइटर है, लेस देन प्रोटॉन है, जबकि प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन है। जबकि न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन जो है वो 1842 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज़ द समराइज डिस्क्रिप्शन अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।